चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक और दल बदलने के दौर के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। इसके साथ ही राज्य में भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका भी लगा है। मध्य प्रदेश में चुनाव का समय है, ऐसे में नेताओं की उठापटक जारी है। नाराज हों या मौका परस्त, बीजेपी कांग्रेस के कई नेता पाला बदलने में जुटे हुए हैं और एक और बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल करके प्रदेश की जनता और कार्यकर्ताओं से आशीर्वाद मांग रही है। इसी बीच एक के बाद एक झटके भाजपा को मिलते नजर आ रहे हैं। भिंड में भी विपक्ष के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल करके शतक मार दिया है। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने भी कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें कि ये सब उस समय हो रहा है जब जिले के लहार विधानसभा क्षेत्र में ही बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पहुंचने वाली है। असल में भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जितेंद्र भास्कर ने रविवार को आलमपुर कस्बे में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। ये दल बदल नेता प्रतिपक्ष के समक्ष हुआ। कांग्रेस में शामिल हुए जितेंद्र भास्कर ने कहा कि वो डॉक्टर गोविंद सिंह की कार्यप्रणाली से बेहद प्रभावित थे। कांग्रेस में शामिल होने के लिए जितेंद्र भास्कर ने विजय संकल्प सभा जनसभा का आयोजन कराया था। इसमें बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर गोविंद सिंह भी शामिल हुए थे। भास्कर का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी दलितों पर अत्याचार और उनका शोषण कर रही है, लेकिन अब हमको डॉक्टर गोविंद सिंह को जिताकर विधानसभा भेजना है और प्रदेश में कांग्रेस की दोबारा सरकार बनवानी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने के बाद पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा भी रविवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने गिरिजा शंकर शर्मा को पार्टी की सदस्यता दिलाई और इस दौरान शर्मा ने कहा कि भाजपा में लोकतंत्र नहीं बचा है। गिरिजा शंकर अपने समर्थकों के साथ पीसीसी पहुंचे थे और गिरिजा शंकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान में भाजपा विधायक सीता शरण शर्मा के भाई हैं। हालांकि शर्मा ने नर्मदापुरम से चुनाव लड़ने पर कहा कि अगर उनके भाई को टिकट मिला तो वो उनके सामने ना तो चुनाव लड़ेंगे और ना ही प्रचार करेंगे। कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद शर्मा ने कहा कि जब पार्टी में दरी बिछाने के लिए भी कार्यकर्ता नहीं मिलते थे तब से पार्टी के लिए काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि अब भाजपा में किसी की कोई सुनवाई नहीं है, अब सिर्फ जी हुजूरी करने वालों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बनने देना है। इसके अलावा जिला पंचायत उपाध्यक्ष टीकमगढ़ और भाजपा नेता श्याम रत्न भक्ति तिवारी और जिला पंचायत सदस्य मोहनी तिवारी भी कांग्रेस में शामिल हुई और इस अवसर पर कमलनाथ का कहना था कि मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि आप लोग कांग्रेस का साथ नहीं बल्कि सच्चाई का साथ दे रहे हैं। आपको बता दें कि एमपी में विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आते ही टिकट की आस छोड़ चुके कई भाजपा नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी भी अपनी चुनावी रणनीति के तहत ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को अपने पाले में कर रही है। वहीं भाजपा ने भी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है और प्रदेश के हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए अलग से रणनीति बनाई जा रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब कुछ ही वक्त बचा है और ऐसे में सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं और कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लगातार दौरे भी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।